नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। एसपीएन 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बिहार में भले नीतीश कुमार ने सरकार यहां बना ली हो, 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर ली, लेकिन नीतीश कुमार की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ जुड़कर एक बड़ी गलती कर दी, ये बात नीतीश कुमार को मान लेनी चाहिए। आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो है अपनी एक यात्रा पर निकल पड़े हैं। यहाँ पर जन विश्वास यात्रा का नाम दिया जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही यहाँ पर तेजस्वी यादव जो है इस यात्रा पर निकले, तो एक बड़ा ही प्यारा सा या यूं कह लीजिए कि यहाँ पर भावुक कर देने वाला वीडियो उस वक्त सामने आया है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस वीडियो में कि यहाँ पर हर किसी को देखने वाले की आंखों में एक भावुकता और प्यार नजर आने लगा। पहले आप ये वीडियो देखिए कि तेजस्वी यादव ने इस वीडियो में ऐसा क्या कहा, तो देखिए ये वीडियो। ढूंढती रहती है पापा को, अभी 4-5 दिन के तो बाहर जा रहे, तो बच्चों का शौक होता है, थोड़ा मिस करेगी, थोड़ा हाँ नहीं क्यों नहीं करेगी, एग्जाम करेगी। तो आपने देखा कि इस वीडियो में तेजस्वी यादव जो है अपनी बेटी यहाँ पर जो है कात्यायनी, कितना ही प्यारा नाम यहाँ पर रखा है, कात्यायनी से मिलते नजर आए। यात्रा में जाने से पहले, बस में चढ़ने से पहले अपनी बेटी के पैरों को छूते नजर आए और उसके छोटे छोटे जो पांव है अपने सर पर लगाते नजर आए, जिसके बाद से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो अपनी बेटी को यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि उनकी किस्मत ही चमक जाती है जब वो किसी शुभ काम को करने से पहले अपनी बेटी के पांव को इस तरीके से अपने सर पर लगाते हैं। ये वीडियो यहाँ पर देखा गया है जिसमें कि तेजस्वी यादव अपनी बेटी के बारे में भी कुछ कहते नजर आए। जैसे कि आपने अभी सुना कि तेजस्वी यादव यहाँ कहते हैं कि मैं इतना काम के लिए बाहर जा रहा हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है अपनी बेटी के बिना। तो यहाँ पर ये देखना है कि आखिरकार तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी यादव आखिरकार उनके लिए कितना ज्यादा शुभचिंतक बनकर सामने आती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।